हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नजरानास किचन। आज मैं आप सभी के साथ हैदराबादी चिकन दम बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप आसान तरीके से ही घर पे बना सकते हैं और ये खाने में भी बहुत मजेदार लगती है। और इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे 1.5 किलो चावल और 1.5 किलो चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चलिए फिर हैदराबादी चिकन दम बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बिरयानी बनाने के लिए बिरयानी मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे 3 बड़े चम्मच सौंफ और 3 बड़े चम्मच साबुत धनिया लिया है और 1 बड़ा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच शाही जीरा, 1 छोटा चम्मच लौंग, 1/2 छोटा चम्मच जावित्री, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च, 8 से 10 तेज पत्ता, 10 हरी इलायची, 7 से 8 टुकड़े दालचीनी के, 1 चक्रफूल, यहाँ पे मैंने चक्रफूल के टुकड़े लिए हैं, और 2 बड़ी इलायची। अब इन सभी मसालों को हम भून लेंगे। अब हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर हम सभी गरम मसालों को डाल देंगे। अब इन मसालों को हम अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक कि इसमें से मसालों की खुशबू ना आने लगे। ये देखिए, मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसको पीस लेंगे। ये देखिए, बिरयानी मसाला हमारा बनके तैयार है। अब ये यहाँ पे हमने 500 ग्राम प्याज को स्लाइस कर लिया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे और इसके अंदर 1.5 कप तेल डालेंगे। अब तेल को हम अच्छी तरह से गरम करके इसके अंदर प्याज डाल देंगे और प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेना है। ये देखिए, प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे प्याज को हमने निकाल लिया है। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। अब ये हमने यहाँ पे 1.5 किलो चिकन को अच्छी तरह से धो के ले लिया है। अब हम इसके अंदर 3 बड़े चम्मच हमारा बनाया हुआ बिरयानी मसाला डालेंगे और ये 300 ग्राम दही डालेंगे, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 बड़ा चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 कप पुदीना और 1/2 कप हरा धनिया डालेंगे और अब इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये फ्राई किए हुए प्याज को हाथों से मसल के इसका चूरा कर लेंगे और आधी प्याज को चिकन में डाल देंगे और आधी को हम बचा के रख लेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद लगभग 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए रख के छोड़ देंगे। अब ये मैंने यहाँ पे 1.5 किलो बासमती चावल लिया है और इसे मैंने अच्छी तरह से 2-3 बार पानी से धो लिया है। अब इसे मैं लगभग 1 घंटे के लिए पानी में भिगो के छोड़ दूंगी। और ये देखिए, 1 घंटे बाद चिकन हमारा अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसे पकाएंगे। चिकन बनाने के लिए हम यहाँ पे वही तेल यूज कर रहे हैं जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था। अब इसके अंदर हम चिकन को डाल देंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम तेज आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे चिकन को हमें पकाते हुए लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम आंच को तेज कर लेंगे और तेज आंच पे इसे अच्छी तरह से पानी सूखने तक भूनेंगे। ये देखिए, चिकन हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम आंच को बंद कर देंगे। अब हम यहाँ पे एक पतीले में 4 लीटर करीब पानी ले लेंगे। अब हम इसके अंदर 2 छोटे चम्मच जीरा डालेंगे और 4 से 5 तेज पत्ता, 7 से 8 हरी इलायची, 15 से 16 करीब लौंग, 5 से 6 करीब दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची। अब इसके अंदर 3 बड़े चम्मच नमक डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम पानी में अच्छी तरह से उबाल आने देंगे। ये देखिए, यहाँ पे पानी हमारा अच्छी तरह से उबल गया है। अब इसके अंदर 10 से 12 हरी मिर्च डाल देंगे और थोड़े से कटे हुए अदरक डाल देंगे। और अब हम इसके अंदर भिगोए हुए चावल भी डाल देंगे। अब इसे हल्के हाथों से मिला लेंगे और इसे ढक के 1 उबाल आने तक इसको पकाएंगे। ये देखिए, चावलों में उबाल आ गया है। अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, चावल के दानों को निकाल के इसे हम इस तरीके से एक बार दबाएंगे। अगर चावल हमारा टूट जाता है तो इसका मतलब चावल हमारा ठीक पका हुआ है, इससे ज्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। अब हम इसे छान के इसका पानी निकाल लेंगे।
ये देखिए हमने चावल में से पानी को निकाल लिया है। अब हम चिकन और चावल की लेयर लगाएंगे। लेयर लगाने के लिए अब हम यहाँ पे एक बड़ा बर्तन ले लेंगे। अब हम आलू को पतला पतला काट लेंगे और इस तरीके से पतीले में उसकी एक लेयर लगा लेंगे। जब हम बिरयानी में दम लगाएंगे तो आलू की लेयर की वजह से बिरयानी हमारी बिल्कुल भी नहीं जलेगी। आलू की लेयर के बाद अब हम इसके अंदर चावलों को अच्छी तरह से फैला के डालेंगे। अब हम इसके अंदर 3 छोटे चम्मच नींबू का रस डालेंगे। अब इसके ऊपर से कटा हुआ पुदीना और हरा धनिया डालेंगे। अब ये मैंने 2 चुटकी केसर को आधे कप दूध में 4 से 5 घंटे के लिए पहले ही भिगो के रख दिया था। अब हम 3 से 4 चम्मच केसर को भी इसके ऊपर से डाल देंगे। अब इसके अंदर 2 चम्मच करीब रेड फूड कलर भी डालेंगे। अब इसके ऊपर से बची हुई फ्राइड प्याज को डालेंगे। इसको हम थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हमें इसमें अभी और भी लेयर लगानी है। अब हम इसके ऊपर से 2 से 3 चम्मच करीब घी डालेंगे। घी या तेल डालना बहुत जरूरी है क्योंकि चावल हमारे उबले हुए हैं। अगर हम घी या तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो चावल हमारे बिल्कुल सूखे सूखे लगेंगे। अब हम इसके ऊपर से चिकन डालेंगे। अब हम इसके ऊपर से फिर से चावल को अच्छी तरह से फैला लेंगे। चावल इसमें इस तरीके से डालें कि चिकन पूरा अच्छी तरह से कवर हो जाए। और इसके साथ ही इसमें हमने फिर से नींबू का रस डाल दिया है। अब फिर से इसके ऊपर से केसर और रेड फूड कलर डालेंगे। हरा धनिया और पुदीना, थोड़े से फ्राइड प्याज और फिर इसके ऊपर से घी और थोड़ा सा चिकन डालेंगे। अब फिर हम इसके ऊपर चावल की लेयर डाल के इसको अच्छी तरह से कवर करेंगे। अब फिर हम सेम प्रोसेस को दोबारा रिपीट करेंगे। ये चिकन की आखिरी लेयर है तो इसके अंदर हम सारा चिकन डाल देंगे और इसके ऊपर से हम सारा बचा हुआ चावल भी डाल देंगे। अब फिर इसके ऊपर से केसर डालेंगे, रेड फूड कलर और ये फिर फ्राइड प्याज, हरा धनिया और पुदीना और फिर इसके ऊपर से घी डालेंगे। अब इसको फॉइल पेपर से अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। आप चाहे तो इसके बदले कॉटन का कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। अब इसको हम ढक देंगे और इसे कम आंच पे हम लगभग 15 मिनट तक पकाएंगे। बिरयानी में हमने 15 मिनट तक दम लगा लिया है और इसे हम ऐसे ही 10 मिनट तक ढके रहने देंगे। इसका ढक्कन हम 10 मिनट बाद खोलेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम बिरयानी का ढक्कन हटा के इसको खोल के देखेंगे। तो ये देखिए लाजवाब चिकन बिरयानी हमारी बनके तैयार है। हैदराबादी चिकन दम बिरयानी की इस रेसिपी को आप घर में जरूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगी। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और मेरी इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ नजराना किचन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।